वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल नेहा डॉट डी। तो गाइज आज मेरा खाना बनाना हो गया, नहाना पूजा करना सब हो गया और अभी बज रहा है 12, जबकि आज मैं लेट से ही उठी थी, फिर भी मेरा आज जल्दी हो गया। तो आज सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिए और यहाँ पे ये लोग नाश्ता करके सुदीप और श्लोक दोनों होमवर्क बनाने बैठ गया है। और क्योंकि आज श्लोक का शाम को ट्यूशन है, मतलब दोपहर को 3 बजे से ट्यूशन है। और गाइज मैं जैसे बोली थी कि मैं हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं, तो मैं दिखाऊंगी पूरा ब्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगी वर्धमान का वो न्यू प्लेस कौन सा है, न्यू कुछ मतलब वो ओपनिंग न्यू हुआ है, 2 दिन हुआ हो रहा है, तो वहीं पे जाने तो मैं पूरा ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और मैं अगाती हूँ, हम बोले थे नायका से जो प्रोडक्ट आए थे, तो मैं उसको दिखाती हूँ कि वो क्या और कैसा है और मतलब यूज़फुल है कि नहीं। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हम जैसे बोले थे, सॉरी मैं बंगाली में बोल रही थी, तो हम जैसे बोले थे कि मैं नायका से 2 प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, तो दोनों प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी। एक ये है, ये इनसाइट हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर है, इसका शेड बहुत अच्छा है। जिन किसी का भी मेरे जैसा स्किन टोन है तो उसका फेस पे ये शेड बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत अच्छा। और ये हाइलाइटर पूरा क्रीमी है, क्रीमी, जैसे आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं ना वैसा ही ये पूरा। ये देखिए इसका शेड ऐसे तो लाइट में पूरा वाइट लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ही अच्छा कलर है। मैं इसको थोड़ा सा हाथ में लेके दिखाती हूँ, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस जगह में जस्ट हाईलाइट करने के लिए। और हम लोग का जो मतलब मेरे जैसा जो स्किन है उसका फेस पे तो बहुत ही गजब लगेगा। आज मैं शाम को इससे मेकअप करूँगी, तो आप लोग देखिएगा मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं नायका से, बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस लिया है 110 रुपया, 110 इसका लिया है। और एक लिप ग्लॉस लिए हूँ वाइट वाला, क्योंकि बहुत ऐसा लिपस्टिक होता है जो मैट में अच्छा नहीं लगता है किसी किसी के ऊपर, तो वो लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर मैं ग्लॉस लगा लेती हूँ थोड़ा सा। तो कभी कभी मैट लगाते लगाते थोड़ा ग्लॉसी टाइप का लिपस्टिक भी पसंद आता है, मतलब मन करता है लगाने का, तो इसलिए मैं ये ग्लॉसी वाला लिप मंगाई हूँ। मैट के ऊपर से भी ये लगा बहुत देर तक स्टे करता है, पूरा क्रीमी टाइप का। ठीक है, और ठीक है तब तक आप हाँ तो आप लोग तब तक रेस्ट कीजिए, ब्लॉग में बने रहिए, मैं शाम को डायरेक्ट रेडी होके मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे मैं भी तैयार हुई हूँ, ब्लैक पहनी हूँ और यहाँ पे दीप भी ब्लैक पहना है, बताओ। तो दीप भी ब्लैक पहना है, हम दोनों ब्लैक ब्लैक पहने हैं, यहाँ पे श्लोक व्हाइट पहने हैं और सुदीप ब्लैक एंड व्हाइट पहना है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं यहाँ पे और अभी जा रही हूँ लॉको करके, हम लोग निकलने वाले हैं और निकल के आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी कि वो कौन सा जगह है। ठीक है, तो तब तक के देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। ऑर्डर है ये, और एक वहाँ है बकेट में, यहाँ है, ये देखिए सिर्फ
सबको सर्व कर रहा है। तो ठीक है गाइस, ज़्यादा लेट नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं टूट पड़ो खाने पे। बोले दीदी क्यों बोले नहीं तो मैसेज बहुत तुल के पता है बहुत तो तुल के ना फाइनली गाइस घर आ गए हैं अभी। और यहाँ पे देखिए सुदीप चेंज हो कर लिया है, श्लोक भी चेंज कर लिया है और मतलब मैं अभी तक की नहीं हूँ। और यहाँ पे देखिए श्रेष्ठा बदमाशी करता है। श्रेष्ठा हम लोग घर नहीं थे तो श्रेष्ठा कारपेट काट के पूरा नोच के इतना कारपेट पूरा नहीं कर दिया है। तो मेरा हस्बैंड नहीं गुस्सा रहे थे। एक्चुअली हम लोगों का ही गलती हुआ है मेरा कि उसको मैं खोल के गई थी। अगर उसको एक जगह बांध देती और वो ठीक तभी कुछ नहीं करता। ऐसा तो चिल्लाया नहीं था, हमें सोची कि चिल्लाएगा। गाइस तैयार होके अभी सॉरी तैयार होके बोल रहे अभी जा रही हूँ चेंज करने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि कौन सा नया जगह था। एक्चुअली वो जगह मतलब मैं बोल दे रही हूँ, हम लोगों का वर्धमान में नया KFC ऑन हुआ है, ओपन हुआ है। तो आज लेके साथ 1 वीक हो रहा है। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम गए आज वर्धमान वाला। एक्चुअली इससे पहले तो कोलकाता में जो था KFC उसने बहुत खाए हैं, तो इसीलिए 2 दिन से प्लानिंग किए थे कि आज संडे के दिन जाएंगे KFC। मेरे हस्बैंड ही बोले थे लेके जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों से मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। इसलिए मैं दिखाने के लिए मैं बोली थी, थोड़ा तो सस्पेंस रखी थी कि क्या है। तो वो है वर्धमान में नया KFC ओपन हुआ है। अगर कोई भी मेरे वर्धमान से कोई भी मेरा YouTube फैमिली से कोई भी है सब्सक्राइबर है तो वर्धमान वी मार्ट का पहले जो है मतलब पूर्व वर्धमान वी मार्ट बिरट्टा वी मार्ट जो है उसका ठीक 2-3 कदम पीछे ही है। तो आइए आप लोग भी जाइए और इंजॉय कीजिए KFC का चिकन खा के। तो ठीक है आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर दियो, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरा मुझे सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।